हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल हॉक स्टार पर। सो आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आज हम टेक्निकल में व्हाट्सअप की कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं, खुफिया ट्रिक्स जो व्हाट्सअप के अंदर छिपी हुई हैं पर वो नज़र नहीं आती, दिखती नहीं है। सो आज हम आपके लिए व्हाट्सअप की कुछ न्यू ट्रिक्स लेकर आए हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड पूरा देखें, आप उन ट्रिक्सों के बारे में जान जाओगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है राजगर और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल रॉकस्टार। से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सो पहली ट्रिक आपकी ये है कि आप जब भी यदि आप अपनी लोकेशन को अपने फोटो के साथ सेंड करना चाहते हैं, यानी किसी को अपना फोटो भेजना चाहते हैं, किसी को कोई भी फोटो भेजना चाहते हैं और उसके साथ अपनी लोकेशन भी सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एक यहाँ से गैलरी से अपनी फ़ोटो चूज कर लेनी है, जैसे मैं इस फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर इमोजी के निशान पर जाना है और ये लोकेशन के स्टिकर को क्लिक कर यहाँ से आपको ये लोकेशन अपनी लगा देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देना है। इससे जब भी आपकी कोई वो सामने वाला आपकी जो फ़ोटो को देखेगा उसके जब भी इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर यहाँ से आपकी सीधे वो आपकी लोकेशन पर पहुँच जाएगा। सेकंड ट्रिक ये है, यदि आप अपने किसी भी शब्द को बोल्ड में भेजना चाहते हैं, बोल्ड वर्ड में भेजना चाहते हैं तो वो कैसे भेज सकेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको इधर जाकर आपकी एक स्टार लगा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है। लिखने के बाद आपको दोबारा एक स्टार लगा देना है। इससे आप देखेंगे कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है, ये जो लिखा है मैंने कमेंट में, ये बोल्ड में गया है। थर्ड ट्रिक ये है, यानी जब भी हम आप कोई मैसेज करते हैं सो यहाँ पे जो नीचे निशान आता है इससे अब ये एंटर नहीं हो पाता है, ये नीचे ले जाता है बार बार। उसके लिए क्या करना होगा, आपको बैक जाना होगा और थ्री डॉट पर जाकर आपको यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको चैट्स पर जाना है और एंटर इस सेंड पर क्लिक इसको चालू कर देना है। इससे आप जब भी आप इस मैसेज को जाएंगे और इधर जाएंगे तो ये मैसेज टेक्स्ट का मैसेज इससे आप एंटर बन जाएगा, ये इससे आप ये मैसेज सीधे चला जाएगा। फोर्थ ट्रिक ये है, यानी जब भी आप देखा होगा कि सामने वाला जब भी आपके किसी मैसेज को पढ़ता है तो आपके फ़ोन पर ब्लू टिक हो जाते हैं। फिर स्टेटस भी, जब भी आप किसी का स्टेटस देखते हैं तो वो स्टेटस पे सामने वाले का जो स्टेटस होता है, जब वो अपने स्टेटस पे देखता है कितने व्यूज आएँ तो उसमें भी आपका नाम आ जाता है। सो आप चाहते हैं कि ना तो ये ब्लू टिक आए और ना ही स्टेटस सामने वाले को मैं स्टेटस देख भी लूँ और उसको पता भी ना चले, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए आपको इधर थ्री डॉट पर ही जाना है और सेटिंग के निशान पर जाकर आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको प्राइवेसी में जाकर ये जो रेड सजेस्ट लिख रहा है रेड रिसिप्ट्स इसको बंद कर देना है। इससे आप जब भी सामने वाले कोई मैसेज भेजोगे तो ब्लू टिक नहीं आएंगे और सामने वाले का स्टेटस देखकर भी उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। फिफ्थ ट्रिक ये है, यानी जब आप चाहते हैं कि मैं इसका ये स्टेटस है, इस नंबर से जो भी स्टेटस वगैरह आते हैं, मैसेज आते हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाए, स्टेटस बिल्कुल नहीं आए इसका, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाकर इसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद ना तो इस नंबर से कभी स्टेटस आएगा और ना ही कोई मैसेज आएगा। सिक्स ट्रिक ये है, यानी आपने देखा होगा कि जब भी आपके फ़ोन में कोई फ़ोटो आती है या कोई वीडियो भेजता है, कोई सेंड करता है, तो वो अपना भी डाउनलोड हो जाना चालू हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि वो अपना आप डाउनलोड नहीं हो, मैं जिन्हें चाहूँ वो ही डाउनलोड हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको थ्री डॉट्स पर जाना है, कोई सेटिंग के निशान पर जाना है। सेटिंग के निशान पर जाने के बाद आपको डाटा एंड स्टोरेज में जाना है और यहाँ पर वैन यूजिंग मोबाइल डाटा पर जाकर आपको इस फ़ोटो के निशान पर भी हटाकर इसको ओके कर देना है। इससे आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटो आएंगे या वीडियो आएंगे वो सब कुछ भी अपना आप डाउनलोड नहीं होगा, सब जो आपने चाहेंगे वो डाउनलोड होंगे। अब सेवन्थ ट्रिक ये है, यानी आपने देखा होगा कि आपके दोस्त या कोई रिश्तेदार वगैरह आपको बार बार किसी ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, कितने ग्रुप बनाकर आपको उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उन ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएँ अपना आप, तो वो ऐड नहीं कर पाएँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इधर थ्री डॉट पर जाना है, सेटिंग के निशान पर जाकर आपको यहाँ पर अकाउंट पर जाना है।
और फिर प्राइवेसी में जाकर आपको यहाँ पर एक ग्रुप्स का निशान दिख रहा है, ग्रुप्स, इसको थर्ड नंबर पर कर देना है और टिक कर देना है। इससे आप किसी भी ग्रुप में, वो सामने वाला आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। एट्थ ट्रिक ये है, यानी आपने देखा होगा कि फ़ोटो, जब भी आप कोई फ़ोटो किसी को फ़ोटो भेजते हैं अपना या किसी और किसी चीज़ का फ़ोटो भेजते हैं, तो जो आप फ़ोटो भेजते हैं, फ़ोटो भेजने से पहले उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, लेकिन फ़ोटो भेजने के बाद उसकी क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी जाए जो उसे हमने देखी थी, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इधर जाना है, वही यहाँ पर इधर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है और ब्राउज़र इधर पर जाकर आपको इधर से वो फ़ोटो चूज़ कर लेना है। जैसे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद सेंड कर देता हूँ। इससे आपकी जो क्वालिटी जाएगी बिल्कुल जो वैसे आपने क्वालिटी से डाउनलोड किया है फ़ोटो, उसी क्वालिटी से फ़ोटो जाएगा, ना कि बिल्कुल डिफरेंट आएगी। सो अगर आपको हमारी व्हाट्सएप की न्यू ट्रिक्स आज अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, अच्छी लगी हो न्यू ट्रिक्स, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो जब तक के लिए जय हिंद।